खुद को मुगल वंशज बताने वाले प्रिंस तूसी ने अयोध्या में संत सम्मेलन के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए। अयोध्या के कार सेवकपुरम में आयोजित रामराज्य रथ यात्रा के दौरान प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी भी मंच पर पहुंचे। प्रिंस तुसी ने न सिर्फ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की वकालत की बल्कि जय श्री राम के नारे भी लगाए। जय श्री राम, हम चाहते हैं कि इस देश में जो है हम विश्व हिंदू परिषद के साथ में हम मिलकर और जो है सुन्नी सोशल फोरम के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह इसको काम करेंगे और इंशाल्लाह श्री राम मंदिर जहां थी वहीं हम चाहते हैं कि वहीं पर निर्माण करें। प्रिंस तुसी पिछले कई महीनों से अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए सुलह समझौते की प्रक्रिया में जुटे हैं। खुद को बाबर का वंशज बताने वाले प्रिंस तुसी विवादित जमीन पर अपना हक जताते हैं। झारखंड के कोडरमा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शंकर यादव और उनके बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई। कोडरमा कांग्रेस के अध्यक्ष शंकर यादव और उनके बॉडीगार्ड कृष्णा यादव की आईडी विस्फोट में हत्या कर दी गई। इस घटना में शंकर यादव का ड्राइवर बुरी तरह से घायल हुआ है। वारदात उस वक्त हुई जब शंकर यादव अपने खदान का जायजा लेकर लौट रहे थे। जैसे ही वो चंदवारा के ढाब इलाके में पहुंचे, एक ऑटो में ब्लास्ट हो गया और उसमें शंकर यादव की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। अभी हम लोग मांग करते हैं कि दो दिन के अंदर जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, पुलिस को जानकारी है, पुलिस को बता दिया गया है, उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अन्यथा फिर हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता चाहे किसी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, लोग सब मिलजुल के। कहा जा रहा है कि खदान को लेकर कुछ लोगों के साथ शंकर यादव का विवाद चल रहा था, इसी वजह से उनकी हत्या की गई है। करीब 3 महीने पहले भी शंकर यादव पर जानलेवा हमला हुआ था, उस वक्त वो बाल बाल बच गए थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही विधायकों को शालीनता का पाठ पढ़ाते हों, लेकिन उनके विधायक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मथुरा में बीजेपी विधायक के बेटे ने टोल प्लाजा के कर्मचारियों की पिटाई कर दी। टोल कर्मचारियों का कसूर सिर्फ इतना था कि बलदेव के विधायक पूरन प्रकाश की कार को रोकने की कोशिश की। कर्मचारियों के इस बर्ताव से विधायक साहेब और उनके लाडले नाराज हो गए और गाड़ी से उतरते ही टोल कर्मचारियों को पीटने लगे। बाकी रही सही कसर उनके समर्थकों ने पूरी कर दी। इतना ही नहीं, टोल कर्मचारियों के इस दुस्साहस से नाराज विधायक पूरन प्रकाश ने खुद खड़े होकर कई घंटों तक टोल फ्री करा दिया। विधायक पूरन प्रकाश ने टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट को सही ठहराने की कोशिश भी की। आगे वो जो एस्कॉर्ट भी की गाड़ी भी थी, इसके बावजूद भी डंडा को उठा के ऑफिस डाल देना गाड़ी के ऊपर, इतना बड़ा बड़ा लिखा है होटल लग रहे और विधायक लिखा हुआ है, इस तरह से ये कोई नई बात नहीं है, ये अक्सर ये करते रहते हैं बदतमीजी यहाँ।